स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑटोटेक इंडिया ए टू जेड में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास जो गाड़ी है 6048 UTSX BS6 गाड़ी है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रहा है गोरो को, इसका एक्सलेटर काम नहीं कर रहा है। तो आइए चलिए चलते हैं, पहले DTC चेक कर लेते हैं और देखते हैं किसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन इसका चाबी ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें DTC क्या है। ठीक है, देखो इसमें जैसे ही चाबी ऑन कर रहे हैं ना, देखो लिख क्या आ रहा है, एक्सलेटर पैडल माल फंक्शनिंग विजिट द वर्कशॉप। जैसे ही अपन चाबी ऑन कर रहे हैं वैसे ही दिख रहा है एक्सलेटर पैडल माल फंक्शनिंग विजिट द वर्कशॉप। तो एक्सलेटर पैडल का इसमें लगता है कोई प्रॉब्लम आ रहा है। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, DTC एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसमें जो DTC आ रहा है B150C, ठीक है, ये DTC तुम्हारा आ रहा है। इसका काउंट है 3 बार, ठीक है, 3 बार इसका काउंट है, देख पा रहे हो। और साथ में इसी के एक और आ रहा है, इसका भी काउंट 1 है, ये इनएक्टिव है बट इसका काउंट 1 है। ठीक है, तो अभी जो एक्टिव कोड है वो है B150C, ठीक, ये एक्टिव कोड है। तो ये है एक्सलेटर पैडल का। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक्सलेटर पैडल सेंसर जो है आपका ये जो यहाँ पे लगा है, ये देख रहे हो ना, ये एक्सलेटर पैडल है, ये इसका एक्सलेटर पैडल है, ठीक, और ये इसका एक्सलेटर पैडल सेंसर है। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं अपन एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। ड्राइवर साहब क्या दिक्कत है गाड़ी में, एक्सलेटर नहीं दबा रहा, एक्सलेटर दबाने पे काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार, आपने ड्राइवर से भी सुना क्या प्रॉब्लम है, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये आपका एक्सलेटर पैडल है, ये देखो पूरा प्रेस कर रहे हैं बट RPM बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, देख रहे हो, देखो पूरा अपन प्रेस कर रहे हैं बट RPM बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। ठीक है, देखो इंजन स्टार्ट है, देख रहे हो ना इंजन स्टार्ट है। तो चलो एक्सलेटर पैडल पे चाबी को बंद कर दे, गाड़ी को बंद कर देते हैं और एक्सलेटर पैडल के सी पॉइंट पे पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं। ठीक, तो ये है एक्सलेटर पैडल और ये है एक्सलेटर पैडल सेंसर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो एक्सलेटर पैडल, ये इसका वायर है, इसमें 5 पिन का कनेक्टर लगता है, इसको निकाला अपन ने। ठीक है, देख रहे हो 6 पिन कनेक्टर है, एक आपका डमी रहता है, 6 पिन का कनेक्टर है, एक डमी है, तो इसमें 5 पिन है, इसमें सी नंबर ABC, इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। चलो देखते हैं 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाबी ऑन करो, बाकी ग्राउंड दो, देखो अपन ने यहाँ सी पॉइंट पे यहाँ लगाया, वहाँ से ग्राउंड दिया, देखिए यहाँ सप्लाई आ रहा है प्रॉपर। ठीक, वहाँ से हमने ग्राउंड दे रखा है, इसके सी नंबर पॉइंट पे लगा करके देखा, सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक्सलेटर पैडल चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं एक्सलेटर पैडल चेंज करके देख लेते हैं। तो देखिए अपन ने क्या किया है, इसका पुराना एक्सलेटर पैडल को यहाँ खोल के रख लिया है। ठीक, और इस पर अब अपन क्या करेंगे, ये नया वाला ये एक्सलेटर पैडल है, अब इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो ये चलो जी सेट कर दो इसको फटाक से, तो अपन फटाक से टाइट करवा लेते हैं। चल ये देखिए इसका एक्सलेटर पैडल अपन ने असेंबल कर दिया है, ये पुराना वाला और ये नया वाला। अब इसका लगा देते हैं अपन कपलर, ये इसका कपलर लग गया। ठीक, ये लग गया आपका। ठीक है, ये पुराना एक्सलेटर पैडल, ये नया एक्सलेटर पैडल। ठीक, अब क्या करते हैं अपन को एक बार चढ़ करके गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए ये जो लिख के आ रहा था, देखिए यहाँ पे जो एक्सलेटर पैडल माल फंक्शनिंग विजिट द वर्कशॉप लिख के आ रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हो गया है, देख रहे हैं ना, अब वो आना बंद हो गया है। अब अपन एक बार गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब अपन एक बार एक्सलेटर दे के देखते हैं। ठीक,
देख रहे हो मस्त काम करने लगा ये। हल्का सा एक्सीलेटर छूने पे पूरा काम कर रहा है। देख रहे हो 2500 आरपीएम। फोटो 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 काम हो गया गाड़ी के। संतुष्ट है? कहाँ रहा है गाड़ी में दिक्कत? एक्सेलेटर काम नहीं करा, आप करा था? चला ठीक बात है, मौज काटा।